हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। जो वर्णाश्रम है वो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बनाया, ऐसा उन्होंने 4 नंबर अध्याय के 13 नंबर श्लोक में बताया, वो भी गुण और कर्म के हिसाब से। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र है वो कुछ इस तरह से है कि नमो ब्रह्मन्न देवाय गो ब्रह्मन्न हिताय च जगद्धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जो अर्थ है, मैं उस भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो गाय और ब्राह्मणों के हितैषी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है, पर पता नहीं आजकल क्या हुआ है, ब्राह्मणों को भगवान श्री कृष्ण प्रिय नहीं लगते। अगर लगते तो वो शायद सत्य गुण में रहकर भगवान की सेवा पूजा में अपने जीवन व्यतीत करते, पर शास्त्र के विधि के हिसाब से ज़्यादातर नहीं चलते। कुछ भी खाते, अलग अलग नियम दिखाते, अलग अलग कायदे कानून दिखाते, पर उनको सब मालूम होता है क्योंकि अलग अलग जगह में वो गीता भागवत के पाठ भी करते हैं। पर सब कुछ मालूम होते हुए भी वो पाठ किया, फिर जाके लोग बोले वाह ऐसा बताया गया है, गीता में ऐसा बोला गया है, उसके बाद वो क्या बोलेंगे? उसके बाद बोलेंगे हाँ इतना कुछ तो बोला गया है पर पालना तो बहुत मुश्किल है, इतना कौन पालेगा, बहुत कठिन है। बोल के खुद तो नहीं पालेगा, जो व्यक्ति वो सुन के थोड़ा भी प्रभावित हुआ है उसके अंदर भी मतलब नेगेटिव एक कमेंट पास करके उसके अंदर भी जो इच्छा है उसको भी वो नष्ट कर देगा। वो सोचेगा हाँ जो पंडित जी है वो इतना पूजा पाठ करते वो बोल रहे बहुत कठिन है, मतलब मेरे लिए तो शायद असंभव ही है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उसका जो आत्मविश्वास है वो भी टूट जाएगा। तो यही सब काम जो आजकल के ब्राह्मण ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि गीता में ये सब चीज़ एकदम साफ तरह से लिखा है। 4 वर्णों का जो कारण है वो गुण और कर्म के विभाग से है, यही 4 वर्णों बनाने का उद्देश्य है भगवान विष्णु की संतुष्टि, और भगवान को संतुष्ट करने के लिए ये 4 वर्णों को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, और ये एक साथ काम करेंगे तो मानव सभ्यता को पूर्णता प्राप्त होगी। मतलब इसमें कोई ऊंच नीच का विचार, पर क्या है लोगों का जो है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए है सुपीरियर बेटर, ऐसा दूसरों को लोअर समझाने के लिए, ये सब अलग अलग अपने अहंकार प्रदर्शन के लिए। एक बात ये है अगर ठीक से बताया जाए तो अपने अहंकार को दिखाने के लिए, अपने सत्ता को प्रतिष्ठित करने के लिए, और दूसरों पे मैनिपुलेटिव और उसमें कंट्रोल, दूसरों को ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ये सब चीज़ें अफवाहें बना बना के शास्त्रों के आधार पे लोग ये शोषण करने के लिए ये सब जो नियम चालू किया है। पर भगवान के हिसाब से इस भगवान ऐसे कोई भेदभाव नहीं कहते, वो गीता में कहते, भगवत गीता के 5 नंबर अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भगवान ये बताते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है वो एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हाथी गाय कुकुर और चंडाल इनमें कोई भेद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है सभी जीवों के हृदय के हृदय में ईश्वर रहते हैं, कृष्ण सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराज करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सभी जीव में भगवान है, तो इसलिए वो देखता है ऐसे कि सभी जीव इक्वल है, सब में वो भेद नहीं करता कि ये अलग है ये अलग है। वो एक ब्राह्मण को जिस हिसाब से देखता है वो एक चंडाल कुकुर एक गाय सबको एक हिसाब से देखते हैं। तो यही ज्ञानी व्यक्ति का एक लक्षण है। और भगवद गीता के 18 नंबर अध्याय के 61 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयम सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया, जिसका मतलब है हर तरह के जीव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और जीवों को इस शरीर रूप यंत्र में बिठा के माया के द्वारा उनको मतलब डायरेक्शन देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो असली में जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो ब्राह्मण मतलब वो ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म को जानते हैं ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण है, वो सत्वगुणी है, तो इसलिए वो किसी भी चीज़ में उसको भेद नहीं करना चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है।
पर एक तरह से देखा जाए तो एक समय में भारत में ऐसा बहुत ये सब भेद को लेकर आज भी पॉलिटिशियंस इस सब का फायदा उठाते हैं। वो ये सब का फायदा उठा के उनके वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स है वो आज भी कर रहे हैं। दलित को लेके, पिछड़े को लेके, ये सब चलता ही रहेगा। शायद सब लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। असली में ऐसा कोई बात नहीं है, ईश्वर के हिसाब से कोई ऊंच नीच नहीं है, ईश्वर सबको एक्सेप्ट करते हैं। भागवत के 2 नंबर स्कंद के 4 नंबर अध्याय के 18 नंबर श्लोक में बोला गया है कि भगवान के पास कोई जाति भेद नहीं, वो हर तरह के लोगों को अपने शरण में लेते हैं। वो चाहे एक स्त्री हो, एक वैश्य हो, एक शूद्र हो, कोई उससे भी नीच कुल हो, कोई भी हो, अगर वो ठीक से भगवान की उपासना करेंगे तो चंडाल भी होगा तो भी वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है और भगवान उसको भी अपने शरण में लेंगे। उनके पास किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं है, वो समदर्शी है। गीता के 9 अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं सबके ऊपर समान भाव रखता हूँ, कोई मेरे मैं किसी पे भी द्वेष नहीं करता हूँ और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है, किंतु जो भक्ति के साथ मेरा भजन करता है वो व्यक्ति मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। इसका अर्थ आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आचार्यों ने जैसे ये सुंदर सा एक उपमा दिया है कि एक सोने का एक आप अंगूठी बनाइए और एक सुंदर एक हीरा आप खरीदिए, तो अगर ये सोना भक्त है और हीरा भगवान है तो एक सोने के अंगूठी में जब ये हीरे को आप सेट करेंगे तब जाकर अंगूठी और भी सुंदर दिखेगा। तो ऐसे ही जो भक्त है और जो भगवान है, इन दोनों के मिलन से वो और भी दोनों के ही मतलब शोभा बढ़ता है। असली में भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ये वर्णाश्रम जो है ये चालू किया गया। भगवान विष्णु इस जगत को मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग कर्तव्य दायित्व ये सब को सबने बांट दिए है, अलग अलग लोगों के जो गुण है उनमें जो क्वालिटीज है एबिलिटीज है उसके हिसाब से। तो अगर एक तरफ से देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं या ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्णों का वर्णाश्रम के जो 4 वर्ण है इन सबसे रहित दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है। आप अगर अफ्रीका के जंगल में भी जाएंगे उधर में जो आदिवासी है उनमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई ब्राह्मण के कार्य करता है, कोई क्षत्रिय के, कोई वैश्य के, कोई शूद्र। किसी भी जगह में आप चले जाए चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, यूरोप, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कहीं पर भी आप जाओ सब जगह में सेम सिस्टम आपको मिलेगा। जो शिक्षक है और कभी कभी आप देखेंगे तो जो डॉक्टर्स है और भी जो जैसे एडवाइज़र अलग अलग टाइप के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देश को अलग अलग टाइप के सर्विस देते हैं, ऐसे लोग जो है उसको आप ब्राह्मण का कैटेगरी में सेट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक तरह के ऐसे लोग हैं जो जैसे पुलिस, आर्मी, BSF, नेवी, एयरफोर्स, ये सब क्या करते हैं, ये सब सुरक्षा देने के काम करते हैं। तो ये आ गए क्षत्रिय। और जो बिजनेसमैन ये आ गए वैश्य के अंदर में। और जो इन तीनों को हेल्प करते हैं जैसे कि लेबर्स, जो फैक्ट्री में जो लेबर्स काम करते हैं, अलग अलग टाइप के लेबर्स है, तो ये शूद्र के काम करते हैं। तो ऐसे चीज आपको हर जगह में मिलेगा। आप अगर आर्मी में भी चले जाओ या फिर किसी भी एक डिपार्टमेंट में भी चले जाओ उधर भी ऐसे ही मिलेगा। आर्मी में भी कुछ लोग होते हैं जो बुद्धि से काम करते और विचार करके मतलब सब कुछ कैसे ठीक किया जाए सही तरह से इसको सोच विचार करके काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं उनके जो निर्देश है उसको फॉलो करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो आर्मी में है उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सब सप्लाई देते हैं। और कुछ लोग जो है अलग तरह के जो श्रम के जो कार्य है उसमें भी सपोर्ट करते हैं। हर जगह में ऐसे ही है। अगर आप
मतलब कहीं पे भी चले जाओ आपको चार तरह के लोग हर जगह में दिखेंगे, जो सोच विचार बुद्धि शिक्षा सेवा ऐसे कामों के लिए निस्वार्थ सेवा ऐसे भी काम करते, प्रोटेक्शन देने का भी काम करते, सप्लाई का भी काम करते और लेबर का भी काम करते। तो इस हिसाब से गुण और कर्म के सब लोग से सब कुछ हो नहीं होता। आप ऐसा नहीं कह सकते एक दुबला पतला इंसान जिसके शरीर थोड़ा दुर्बल रहता है उसको आप क्षत्रिय नहीं बता सकते, क्योंकि वो शायद क्षत्रिय जैसा अगर एक्टिंग भी करेगा तो भी उससे वो क्षत्रिय वाला काम सिद्ध नहीं होगा। अगर जिसको ठीक से कहाँ से चीज़ें लेके कहाँ पे देना है इस बारे में अच्छा ध्यान नहीं है तो वो बिजनेसमैन भी नहीं बन सकता। थोड़ा सा काम करके जो हाफ जाएगा, जो जिसको सुस्ती आएगी या फिर जो जिसका तबीयत खराब हो जाएगा, थोड़ा सा काम करके ऐसा जिसको होता है तो वो व्यक्ति भी शूद्र होने के योग्य नहीं है। और जो व्यक्ति जिसके बुद्धि कम है, जो ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आप एडवाइजर के तौर पे देखोगे या फिर शिक्षक के तौर पे देखोगे तो वो आपको गलत शिक्षा देगा और गलत एडवाइस ही देगा। तो इस हिसाब से हर व्यक्ति में हर तरह के गुण नहीं रहता। तो ये व्यक्ति अपने कर्मों के जो फल है उस हिसाब से उसको शरीर मिलता है और वो भी प्रकृति के नियम के हिसाब से, और उसी शरीर में वो जैसा कर्म करता है वैसे उसको गुण मिलते हैं और वैसे एबिलिटीज उसको प्राप्त होते हैं, उसी हिसाब से उसको अपना लाइफ सस्टेन करना पड़ता है। अगर देखा जाए कि उसके अंदर अच्छे गुण हैं तो वो ब्राह्मण के तरह जीवन व्यतीत कर सकता है, वो बहुत शक्तिशाली है, उसमें बहुत मतलब अस्त्र शस्त्र के ज्ञान है, उसके तेज है, वो देश के जो है आर्मी मिलिट्री दे सकते हैं अपनी काम कर सकता है, लंबा चौड़ा होगा, शरीर भी मजबूत है। और जो बिजनेस ज़्यादा समझते हैं, जिनको सप्लाई कहाँ करना है, डिमांड कहाँ है, ये सब बारे में बहुत नॉलेज होता है, ऐसे लोग वैश्य के काम करते हैं। और जो लेबर है मतलब किसी का पैसों की कमी है या फिर उनको ज़्यादा बिजनेस समझ नहीं आता या फिर किसी कारण से व्यक्ति अगर श्रम का काम करता है, लेबर का काम करता है तो वो शुद्ध है। तो एक व्यक्ति आप अगर आप एक तरह से देखें तो हमारे देश में जितने भी महान लोग थे वो ये सभी तौर में से गुजर के महान बने हैं। एक टाइम पे वो भी लेबर के काम करते थे, कोई कोई फिल्म स्टार बोलिए, कोई कोई क्रिकेटर बोलिए, कोई कोई मिनिस्टर बोलिए, अलग अलग जो लोग हैं जो फेमस है वो फेमस लोग वो भी एक तरह से कभी ना कभी बहुत मतलब कठिन जीवन के जो समय है उसको महसूस किया है, उसको जिया है, कठिन जीवन जी के फिर जाके वो बड़े बने। तो जब कठिन जीवन जीता है आदमी तब उसको शूद्र के भी काम करना पड़ता है, कभी कभी वैश्य के भी काम करना पड़ता है और कभी कभी उसको परिस्थिति के हिसाब से कोई कोई क्षत्रिय के भी काम करता है, फिर जाके कभी कभी वो ब्राह्मण जैसा भी काम करता है। तो ये तो चला गया जो मेटेरियल व्यू, इस टॉपिक में जो मेटेरियल व्यू, और अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ब्राह्मण के गुण बहुत हायर है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से जो ब्राह्मण है वो सिर्फ शिक्षा एडवाइस इसमें नहीं, उसके ईश्वर के जो जानने का जो विषय है उसके बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए। और ईश्वर का ज्ञान लाभ करने के लिए ईश्वर के जो दिए गए निर्देश है उसके भी वो भी उसको ठीक तरह से फॉलो भी करना चाहिए। तो यही है ब्राह्मण का मूल जो बात, तो शायद मैं आपको समझा पाया हूँ। भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ये चार वर्णों का तैयार वर्णों को बनाया गया है। ये चार वर्ण जब मिलके काम करते हैं तभी दुनिया में पूर्णता आती है, मानव सभ्यता की पूर्णता आती है। हरे कृष्ण।